बसमीम बिबरसा अल्लाक वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ आपका होस्ट अमीर बख्श नदरिन करम इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये बलोचस्तान का एक छोटी सी तहसील है बांधी का तो बांधी का में सब्ज़ी बड़े मेदार में होती है इसके अलावा चीकू यहाँ पर होते हैं कपास गंदम तो यहाँ सिस्टम एक है कि यहाँ जैसे सिंध और पंजाब के तरह नहरी निज़ाम नहीं है तो यहाँ ये ये कि आप लोग को बोर करवाएंगे और बोर भी तकरीबन मैं समझता हूँ कि 500 फुट डीप होगा भाई कितना नीचे होता है पानी यहाँ पर पाँच सौ छः सौ फुट है नीचे होता है जी 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 हाँ तो यहाँ पर जो पानी की सतह है वो तकरीबन पाँच सौ साढ़े पाँच सौ फिट जी. तो यहाँ पर क्या बेटा सब्ज़ी वगैरह क्या होती है या मतलब इसके अलावा क्या ओवरऑल जो फसल वगैरह क्या होती है यहाँ पर सर भिंडी भी होती है और धनिया भी होते हैं और कद्दू भी होते हैं चक्ू सब कुछ होता है जी हाँ तो चिक्कू की जरा और आप बता देंगे कि मतलब फसल कितने नौ महीने दस महीने कितने तक मतलब चलती रहती है फिर तो जो गैप कितना आता है वो आठ महीने चक्ू चलते हैं दो महीने गैप होते हैं फिर वापस चक्ू शुरू हो जाते हैं जी हाँ तो बेटा आप जरा हमें चल के जरा ये जो पानी कैसे आ रहा है किस तरीके से आ रहा है कैसे दे दो तो ये जरा आवर ऑल हमें चल के ज़रा आप जरा बताते जाओ आज ये ठीक है बेटा आप कैं कहाँ के रहने कहाँ के वाले हो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ यहीं के लोकल हो या किसी और डिस्ट्रिक्ट से आए हो के हम आए हैं असल गंदावा जलमक्सी से अभी विंदर शहर में पठान कॉलोनी में रहते हैं जलमक्सी के आप लोग जी हाँ तो जल बक्शी में वो बारे में जरा बता सकते हो कि वहाँ पर क्या फसल होता है और क्या मतलब वहाँ पर किस तरीके से जैसे यहाँ का सिस्टम वहाँ का सेम ही या अलग है उसका सर उसका बोर नहीं लगता है अच्छा जी हाँ उसका बोर नहीं लगता उसका सिर्फ ये है कि पानी नदी का आता है बारिश का होता है उसमें सब्ज़ी हर चीज़ होती है मतलब कि पहाड़ी एरिया है, है जी ठीक 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 जी हाँ जी आए बताएँ बड़ी मेहरबानी होगी तो देखिए अभी बस ये जो पानी जो मतलब ये किस वक्त आप लोग छोड़ते हो पानी ये सुबह नौ बजे छोड़ते हैं और शाम तक चलाते हैं पाँच बजे तक फिर बंद कर देते हैं वाल वापस सुबह छः बजे छोड़ते हैं ठीक ठीक तो ज़रा ये मुझे बता के कि झाड़ कौन से लगे हुए हैं आपके पास और फसल अब आप लोग क्या लगा रहे हो आगे लगा बस सब्ज़ी वगैरह लगी हुई आप लोगों के पास तो ये ज़रा ये देखें नाजन ये सिकू के सारे ये झाड़ लगे हुए हैं और कैमरामैन से मैं ज़रा रिक्वेस्ट करूँगा कि जूम करके आपको चिकू जो लगे हुए हैं वो भी आपको दिखा दें और इन्वामेंट यहाँ पर बड़ी बेहतरीन है तो मौसम भी यहाँ का दिलकश है और ये महीना चल रहा है दिसंबर तो अब आप ये समझो कि विंटर शुरू हो गया तो ओवरऑल तो यहाँ पर गर्मी पड़ती है लेकिन गर्मी इतनी नहीं पड़ती है जैसे बलोचस्तान के दूसरी सिटियों के अंदर पड़ती है जैसे उथल हो गया बेला हो गया ये काफ़ी मतलब काफ़ी मतलब गर्म तरी में जी बेटा जी जी ज़रा दिखा दें हमें भिंडी भी दिखा दें बेटा अच्छा ये भिंडी है तो नजर नाम ये जो उन्होंने किनारे किनारे पर लगाई हुई है ये है भिंडी तो भिंडी बेटा कितने दिनों में निकल जाती है ज़रा बता सकते हो ये महीने में तैयार हो जाती है माशार्ला, माशार्ला। जी हम महीने महीने में निकालते हैं और इसके अलावा आपने क्या लगा रखा है यहाँ पर धनिया भी है और पालक भी है वो तो जरा वो भी हमें चल के दिखा, दें हमारे दिखा, दिखा देंगे हमारे दिखा, दिखा, दिखा देंगे दिखा देंगे इन बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आगे चलें जरा मैं आपको भिंडी जो जैसे भिंडी तो आपको इन्होंने दिखा दी कुछ भिंडिया में जी जी ये कद्दू है ये सामने जो है ये कद्दू के मतलब इसको वली कहते हैं झाड़ तो उसको नहीं कह सकते जी 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 वल कहते हैं इसको, इसको। तो ये देखें इसने फ्लावर वगैरह भी इसने निकाले हुए तो अब इसमें ये निकलते रहेंगे तो आगे चल के फिर मैं आपको जो धनिया मेरे भाई ने लगाए वो मैं आपको दिखाता हूँ इसके अलावा और क्या लगा है बेटा धनिया है 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 पालक मूली भी अच्छा अच्छा ठीक 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 कद्दू सामने खड़े जी हाँ ये जरा कद्दू बेटा जूम करके जरा दिखा दो ये कद्दू लगे हुए ये देखें भिंडी एक ये भिंडी भी निकली हुई है ये, ये सामने ज़रा दिखा दो ये भी ये कद्दू निकले तो फ्रेश जो वेज होती है तो उसमें तो जायका ही बिल्कुल अलग होता है डिफरेंट होता है ये कद्दू देखें ये लगे हुए कुछ वो उन्होंने वहाँ पर उसके फूल लगे हुए तो आगे चल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ जैसे पालक धनिया और क्या आपने लूसन लगाया भाई लूसन है और भी अच्छा मूरी भी है तो चलो ये भी हम अपने विवर्स को दिखा देते हैं क्यों उन्होंने तो सिर्फ वहाँ से लिया होगा तो किस तरीके से आप लोग उसकी नषरमा करते हैं वो ज़रा हम देखने वालों को अपने ज़रा दिखा दें तो घर बैठे उस चीज़ का मज़ा भी लें इन्जॉयमेंट करें कितनी मतलब मेहनत लगती है इसके अंदर और क्या क्या आप लोगों को मुश्किलें दरपेश आती हैं सुबह उठना पानी चलाना अच्छा ठीक ठीक जरा पालक और धनिया में दिखा दे तो बड़ी मेहरबानी जी जी तो भी उस ये गांव का माहौल है और बड़ा फ्रेश इन्वायरमेंट है यहाँ पर पानी भी साफ़ सुथरा है कोई पलूशन वगैरह नहीं है ये पालक है पलूशन वगैरह भी नहीं है यहाँ पर मतलब जो कैसी कोई ऐसी बात नहीं है साफ सुथरा माहौल है पानी भी फ्रेश ज़मीन का अब हमारे तरफ जो सिटी के अंदर आ रहा है तो उसके बारे में तो वसूख से नहीं कह सकते कि कितना कि पानी फ़्रेश है लेकिन यहाँ पर अलहमदिल्ला हर चीज़ जो है बड़ी मुफीद साफ सुथरी जैसे खाना पीना हो गया जी ये क्या चीज़ है धनिया जी ये धनिया मतलब कितने टाइम में तो निकल जाता है दस ये जान दो महीने हुए हैं हमने लगाया है जी, जी, अभी माशाल्लाह तैयार हो गया अभी निकालेंगे इनशाला वापस पंद्रह दिन के बाद वापस तैयार हो जाएगा ठीक ठीक थी, जी हाँ और ये जाड़ के नीचे क्या है कोई क्या हमने लगाया कुछ वहाँ भी धनिया है वगैरह है सब चलो उसका भी ये पालक खड़ी है जरा पालक दिखा दो जरा पालक भी आपको दिखा दें कि पालक किस तरीके से होती है और पालक भी माशाल्लाह बड़े फ्रेश वेरी जी जी ग्रीन है जी है। तो आप लोग कितने खेतों के अंदर कितने लोग हो आप लोग हम चार बंदे हैं इधर चार बंदे जी हाँ तो सबका गुजारा हो जाता है माशाल्लाह जबरदस्त बस अल्लाह पाक करके ऐसे आप लोग का गुजारा हो ज़्यादा से ज्यादा आप लोग को प्रॉफिट वो अब ज़रा चले झाड़ की तरफ बेटा जी तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ और बैठने के लिए आप लोग को मतलब ये एक साया भी फ्राम कर रहा है झाड़ और अवर रोल ये इसमें जो मतलब जो इनके समझ में आता है वो भी यहाँ पर ये लगा देते हैं तो ये जार किस चीज़ का चिकू का है चिकू का जार है तो ये कि जब गर्मी होती है तो यहाँ पर आके आप लोग बैठ जाते हो ठीक ठीक और ये क्या सामने लगा हुआ है सारे धनिया है ठीक 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 और पानी देखो ये कैमरा मैन मेरा आपको दिखा सके कि पानी देखा कैसे फ़्रेश पानी चल रहा है साफ सुथरा पानी है तो यही पानी आप लोग पीते हो जी यही पानी पीते जी हाँ ये हां पानी साफ़ है बोर साफ. का पानी ज़मीन से आता है हम पीते हैं जी, जी हाँ है। 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 तो बिल्कुल साफ बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है ज़मीन का पानी है फ्रेश पानी है इसको इससे एक इनकी जो सेहत है वो भी मेंटेन रहती है और आगे बैठा ये आपने क्या लगाया हुआ पीछे उस अच्छा कद्दू सारे तो आइए जरा कद्दू का भी एक व्यू आपको दिखा देता हूँ तो उसके बाद फिर हम अपने वीडियो का करेंगे एंड और ये देखें हाँ ये ज़रा दिखा दो कि पानी किस तरीके से देखो ये बच्चा हमारा जो है इधर से उधर कैसे मूव कर रहा है अब इससे ये कि जिस जगह से पानी जहाँ आपने नहीं दिया तो वहाँ जाएगा ये जरा इधर देख लें आप। जी हाँ ये उस ये, इस तरफ मैंने नहीं दिया था अभी इधर जाएगा जी 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 हाँ इसके बाद फिर इस बारे में छोड़ूंगा ठीक जी तो वो कब तक भर जाएगी कोई अंदाज़ा ये बस से दो तीन मिनट में भर जाएगी इन शाला जी हाँ ठीक ठीक जी थेक। तो आइए ज़रा ये कद्दू का बेट दिखा देते हैं तो उसके बाद क्योंकि यहाँ तो एक तो रिक्वेस्ट मैं सबसे ये करूँ कि ये जहाँ पर आस पास अगर घर पड़ते हैं तो ये काफ़ी मतलब इस चीज़ से चिड़ते हैं कि मतलब कोई लेडीज़ वगैरह लेकिन खैर दौर तो अब काफ़ी एडवांस आ गया है लेकिन गाँव देहातों में अब भी यही सिलसिला चल रहा है तो देखिए ये कद्दू के सारे मतलब ये जो कद्दू क्योंकि नीचे ही होता है जैसे कद्दू हो गए तुरैया हो गई या कुछ ऐसे पालक हो गई तो वो नीचे ही बाकी अगर इसके अलावा जो कुछ सब्ज़ियाँ आती हैं उनका पेड़ आता है तो चैनल मेरा देखते रहें अल्लाह पाक आप लोगों को लोग रखे आबाद रखे पाक कर हर मुश्किल से महफूज रखे बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़